वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चैप्टर में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है एडी करंट। ठीक है, एग्जाम में ये 3 माह का क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में बोर्ड्स में। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, व्हाट इज एडी करंट एंड राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ इट। तो उसके 2 से 3 एप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पे कोई भी 2 एप्लीकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले हमें समझना होगा कि एडी करंट होता क्या है। ठीक है, अब एडी करंट समझने के लिए थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ना एक कॉइल बनाया हुआ है। ठीक है, ये एक सर्कुलेटिंग कॉइल है और उस कॉइल से कॉइल का कनेक्शन मैंने दिया है सर्किट में। ठीक है, तो ये कॉइल है, ये मैग्नेट है नॉर्थ। ठीक है, इसको मैंने मैग्नेट का नॉर्थ फेसिंग दिया है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जैसे ही ये मैग्नेट मेरा मोशन में रहेगा जब तक, तो उस मोशन की वजह से जब इसकी मैग्नेटिक लाइंस इस कॉइल के इन्फ्लुएंस में आएंगी, तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द मैग्नेट देयर विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस जब ये कॉइल से लिंक करेंगी, तो देयर विल बी इंड्यूस करंट इन दिस कॉइल। इस कॉइल में क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो फिनोमेना क्या बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इसमें जो इंड्यूस होने वाला करंट है वो हमेशा क्या करेगा, इट ट्राई टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड बाय विच इज इन मोशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे जितना ये नजदीक आते जाएगा, मोर नंबर ऑफ फ्लक्स क्या होते जाएंगे, एसोसिएट होते जाएंगे कॉइल से। तो मोर नंबर ऑफ कॉइल विल बी एसोसिएटिंग, तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसका मतलब ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है, तो और जितना दूर जाएगा तो उससे क्या होगा, इसके इन्फ्लुएंस में कम फ्लक्स आएंगे। तो कम फ्लक्स का आने का मतलब क्या है, लेसर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, तो ये फिनोमेना हमें पता है। तो करंट कहाँ इंड्यूस हो रहा है, किसके वजह से इंड्यूस हो रहा है, इस कॉइल की वजह से। यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाता है इस कॉइल में, कब, जब देयर इज अ मोशन इन दिस मैग्नेट। ठीक है, तो जब तक मोशन बना रहेगा तब तक करंट क्या होता रहेगा, इंड्यूस होता रहेगा। अब अगर ऐसे ही मैं यही सेम सर्किट यहाँ पे रिपीट करूं और इस कॉइल की जगह पे अगर मैं, व्हाट इफ वी थिंक कि मैं एक मेटल प्लेट ले लूं। ठीक है, मेटल प्लेट मैंने ले लिया, तो क्या इस मेटल प्लेट में करंट इंड्यूस होगा, आंसर है यस। क्यों होगा, बिकॉज एक तो ये मेटल है, मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये मेटल है, तो इसमें करंट इंड्यूस हो सकता है। कैसे होगा, ऐसे तो यहाँ पे सर्कुलेटिंग कॉइल है तो ऐसे तो नहीं होगा, या ये मेटल ऐसा है तो इसमें ऐसे तो नहीं जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा, या ऐसे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो कौन से फॉर्म में जाएगा, तो देखिए क्या होगा, जैसे ही ये मेटल प्लेट को आपने यहाँ पे रखा, इस मैग्नेट को आप थोड़ा करीब लेके गए, तो इसमें जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मेटल में क्या होते हैं, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपने आप को अलाइन करेंगे। किस तरह अलाइन करेंगे, एक सर्कुलर पाथ में अलाइन करेंगे। वही यहाँ पे लिखा है, देखो, व्हेनेवर अ कंडक्टर, जो ये कंडक्टर है और पार्ट ऑफ इट मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द बल्क ऑफ द मेटल, मतलब ये मेटल के अंदर जो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जो ये ऐसे सर्कुलर मैनर में स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन अ क्लोज पाथ, ऐसे क्लोज पाथ बनाएंगे। ठीक है, इक्वेलेंट टू करंट लूप, इस करंट लूप की तरह ये क्या करेंगे, क्लोज पाथ बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कॉइल था तो इसीलिए क्लोज पाथ बन गया था। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरह अलाइन कर रहे हैं ताकि ये क्या बना सके, इस तरह के लूप के साथ क्लोज पाथ। ठीक है, दीज लूप करंट्स रिजेंबल लाइक एडीज, और ये कैसे रिजेंबल होते हैं, जब ये क्लोज पाथ बनाते हैं, किसके इन्फ्लुएंस में आने से, इस मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आने से, कैसा बनाते हैं, क्लोज पाथ, कहाँ पे, किसी भी मेटल प्लेट को जब रखा हो। ठीक है, कॉइल सर्किट में हमेशा करंट इंड्यूस होता है, लेकिन मेटल में ये प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मेटल क्या करता है, अपने अंदर के इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन को इस तरह इकट्ठा करता है ताकि एक तरह का सर्कल दिखे, और इस सर्कल को या हम क्या बोलते हैं, एडीज या भंवर, हिंदी में उसे भंवर भी बोलते हैं, एडीज बोलेंगे। ठीक है, या वर्लपूल भी बोलते हैं, आप वॉशिंग मशीन का नाम सुना होगा वर्लपूल का, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वैसा कुछ वैसा ये मेटल क्या करता है, अपने अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करता है। अब उसकी वजह से क्या होगा, ये करंट, ये इंड्यूस होने वाला करंट इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो फील्ड आ रही है, जो करंट आ रहा है, उसको क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा।
किसके मोशन को अपोज करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मोशन को अपोज करेगा। इसी मोशन की वजह से इसमें करंट इंड्यूस हुआ, तो ये क्या हमेशा इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो यहीं पे इसका कैरेक्टरिस्टिक नेचर आता है, किसका, एडी करंट का। एडी करंट का नेचर क्या होता है, इट विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज द मोशन, किस मोशन को, उस मोशन को जो ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा बन रहा है। क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ट्राई टू ऑलवेज अपोज द फ्लो या मोशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, अंडरस्टूड। तो ये एडी करंट का पर्पस है। तो एडी करंट ऑलवेज वॉन्ट्स टू अपोज द मोशन विच इज कॉज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कब तक ये मोशन होता रहेगा, जब तक ये मैग्नेट मूव होता रहेगा तब तक मोशन बनता रहेगा और ये उसको अपोज करता रहेगा। ये अपोज करना कब बंद कर देगा, जब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मूव होना बंद कर देगा। मैग्नेट क्या होगा, मूव होना बंद कर देगा। तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक देयर इज अ मोशन। तो तब तक एडी करंट क्या, इसमें करंट क्या होता रहेगा, मेटल प्लेट में इंड्यूस होता रहेगा और ये करंट को कौन अपोज करता रहेगा, एडी करंट क्या करता रहेगा, हमेशा इस मोशन को अपोज करता रहेगा, ठीक है। तो याद रखो कि नॉर्मल कॉइल में करंट फ्लो होता है, तो अगर नॉर्मल कॉइल की जगह हमने क्या ले लिया, मेटल प्लेट ले लिया, तो उस मेटल प्लेट के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपने अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन को ऐसे अरेंज करेंगे ताकि वो एक तरह के एडीज में दिखे और इस एडीज के द्वारा जो करंट इंड्यूस होगा वो कंड्यूस क्या करंट क्या होगा, हमारा एडी करंट होगा। और ये करंट हमेशा क्या करना चाहता है, इट ऑलवेज ट्राई टू अपोज द मोशन, अपोज द मोशन, ठीक है। अब इसी का कुछ हम एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि हमें पता ही चल गया है हमेशा क्या काम करता है, अपोज करने का काम करता है। तो ऐसे एक एप्लीकेशन है डेड बीट गैल्वेनोमीटर। मैंने यार ना रफ सा डायग्राम बनाया गैल्वेनोमीटर का। अब जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है ना, मैग्नेट गैल्वेनोमीटर होता है, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर जो भी होता है, उसकी जो कॉइल होती है ना, पॉइंटर आपने देखा होगा लैब में, आप देखोगे वो पॉइंटर हमेशा क्या होता रहता है, हमेशा ऐसे स्विंग होता ही रहता है, होता ही रहता है, मतलब हिलते ही रहता है। अब हम क्या करें, लैब में बैठे हैं और ये होता ही रहा है, होता ही रहा है, तो जब ये स्टॉप होगा तभी तो हम रीडिंग ले पाएंगे। लेकिन यूजुअली क्या होता है, मैग्नेट जो गैल्वेनोमीटर होता है ये हमेशा ऐसे फ्लक्चुएटिंग होता रहता है, तो उसे टाइम लगता है। तो उसकी जगह पे क्या किया गया है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाया गया है। डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या होता है, यहाँ पे एक आयरन कोर रख दिया जाता है। तो अब होगा क्या, उस आयरन कोर से क्या होगा, उस पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बनेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बनेंगी और वो क्या करेगा, वो सर्कुलेटिंग करंट प्रोड्यूस करेगा और वो इसी मोशन को क्या करेगा, इट विल ट्राई टू अपोज। तो ये जो स्विंग ऐसे हो रहा है वो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टॉप होता जाएगा, डैम्प्ड होता जाएगा, द मोशन विल स्टार्ट टू डैम्प। जैसे अगर मैंने पेंडुलम ले लिया, इसको अगर ऐसे नहीं समझा तो पेंडुलम का मोशन देख लो, ये नॉर्मल पेंडुलम का मोशन था, ये ऐसे टू एंड फ्रो ऑसिलेट हो रहा है, तो ये ऑसिलेट होते ही जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने इस ऑसिलेशन के बीच में यहां पे मैंने दो मैग्नेट लाके रख दिए, तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप हो रहे हैं, हाँ। अब इसका लाने की वजह से क्या हुआ, यहां पे ये क्या करेगा, इट ट्राई टू अपोज दिस ऑसिलेशन। तो ये जो पेंडुलम का मोशन है ये ऐसे ऐसे जब हो रहा था, अब इसके आने से क्या हुआ, ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा, स्लो हो जाएगा एंड स्लोली स्लोली इट विल डैम, अंडरस्टूड। तो वो किसके वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ एडी करंट, क्योंकि वहां पे हमने एक आयरन को, सॉफ्ट आयरन को रख दिया और उसने क्या कर दिया, इस जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको उसने स्टॉप करना चालू कर दिया और ये मोशन को डैम्प कर दिया। समझ में आया, तो दैट इज डेड बीट गैल्वेनोमीटर हम अब यूज करते हैं। वैसे ही एक है इंडक्शन फर्नेस। अब इंडक्शन फर्नेस में हमें करना क्या होता है, मेटल को क्या करना पड़ता है, पिघलाना, एक तरह से हम बोलते हैं, ठीक है, जहां पे मेटल्स ये पिघलते हैं। अब यहां पे होता कैसा है, देखो ये एक अर्थ पॉट जैसा ले लिया मैंने, अर्थ पॉट, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो उसमें मैंने क्या किया, थोड़े थोड़े मेटल पीसेस डाल दिए, ठीक है, या स्क्रैप मेटल आप बोल दो, जिसको भी हमें क्या करना है, पिघलाना है। यहाँ पे मैंने एक फ्रेमिंग रखा है, ठीक, उसमें कॉइल वाउंड करके रखा है और वो कॉइल को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो एक तरह का सर्किट हो गया। अब ये कॉइल से क्या होगा, जब करंट इंड्यूस होगा तो ये करंट क्या होगा, इस मेटल सर्फेस पर भी पड़ेगा और इस मेटल सर्फेस पर पड़ेगा, तो बाय फिनोमिना ऑफ एडी करंट सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होंगे। अब ये सर्कुलेटिंग करंट क्या होगा, राउंड एंड राउंड घूमते रहेगा, ठीक है, और एक पॉइंट आएगा जहां से क्या करने लगेगा, हीट इमिट करता है ना, इट विल ट्राई टू इमिट हीट। क्योंकि अगर यहीं पे अगर मैं एडी करंट का यूज देख लूं, एक एप्लीकेशन है, अगर इस सर्किट में मैंने अगर बल्ब लगा दिया होता तो क्या होता, ये यहाँ पे करंट इंड्यूस हुआ है और ये करंट से क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ है और उसी करंट को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बल्ब लगा दिया, तो इस करंट का यूटिलाइजेशन हो गया ना, उस करंट की वजह से क्या हो गया, बल्ब चलने लगा, ठीक है, ये बल्ब चलने लगा।
अगर यहाँ पे मैं कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कोई सर्किट है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे करंट क्या होगा, ये करंट क्या होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकल जाएगा, तो यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा एडी करंट का। तो वैसे ही यहाँ पे एडी करंट का क्या हो रहा है, यूटिलाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे जो एडी करंट डेवलप होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो हीट क्या करेगा, इस मेटल के अंदर जो डेवलप हुई हीट है उसको क्या करेगा, पिघलाने की कोशिश करेगा, और वही तो हमें चाहिए। तो दैट इज इंडक्शन फर्नेस। तो याद रखो स्टूडेंट्स, एग्जाम में ये 3 मार्क के लिए आएगा। तो वहां पे आपको एक ये राइटिंग पार्ट लिखना है, जो कि बोर्ड में इसी फॉर्म में इतना यही डेफिनेशन लिखना है आपको, एडी करंट का एक्सप्लेनेशन लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 1.5 मार्क मिलता है, और इसके बारे में दोनों के बारे में 1-1 मार्क एप्लीकेशन लिखना होता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू गेट 3 मार्क्स। तो कभी कभी इसको 1 मार्क, इसको 1-1 मार्क लग देते, या कभी कभी खाली नाम पूछते, तो नाम अगर पूछा है तो 1/2 मार्क, और इसको 2 मार्क दे देते। तो इस हिसाब से 2 से या 3 मार्क का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।